कोई किसी की जान तभी ले सकता है जब उसके सर पर आक्रोश और जुनून सवार हो, मगर घर में घुसकर किसी की जान लेने वाला व्यक्ति कोई ऐसा ही होगा जो न केवल घर वालों का परिचित होगा बल्कि घर की चाबियां भी उसके पास होगी। हालांकि ऐसे किसी भी जुर्म में अपराधी कोई परिचित ही होता है और अक्सर ऐसे अपराध गुस्से, डर या किसी लालच के कारण ही होते हैं। तो क्या गुनाह किया था इस औरत ने जिसकी इसे सजा मिली, या फिर इनकी मौत से किसी को कोई फायदा होने वाला था? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई राज खुल जाने का डर था? सवाल बहुत है। आइए इस मिस्ट्री को सुलझाते हैं जुर्म और जज्बात की इस कहानी में, मेरे यानी रौनित बोस रॉय के साथ। सॉरी सर, मैं रिपोर्ट नहीं लिख सकती, ये मेरे एथिक्स के खिलाफ है। लिख लो नीलम, रिपोर्ट लिखोगी या रेजिग्नेशन लेटर? सर आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको रेजिग्नेशन कहाँ चाहिए, मेल में चाहिए या किसी के हाथ भिजवाओ। साइड होना, छोड़ दी जॉब। बिल्कुल, जो कोई गलत करेगा ना उसे मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगी, फिर चाहे वो कोई भी। और अगर मैं गलत करूं तो? अटो तुम हमेशा चालू रहते। ओम, कभी तो बड़े हो जाओ। हाँ अरे ऐसे बड़ा होके भी क्या करना। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब चीजें ना होती रहती हैं, इससे लाइफ स्पाइस नहीं कम होनी चाहिए। सच कह। ओम रिमोट का वॉल्यूम करो। हाँ वॉल्यूम करो। ताजा जानकारी मिलने तक इस साइक्लोन में कम से कम 70 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है और लगभग 300 लोग घायल हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए सेना को बुलाया गया है। फोन ही लग रहा है। मैं कर। प्रिया प्रिया तू ठीक है ना? मॉम डैड कैसे? मम्मी पापा दोनों हमें छोड़कर। नहीं ओम, नहीं ओम, नहीं ओम, नहीं ऐसे नहीं हो सकता ओम। अरे ओम भैया, मैं कुछ हेल्प करूं क्या? ये भी पूछ के करेगा, चल शुरू हो जा। यार भैया, वो जो आपके साथ आई है वो मुसाली है मेरी। ओ अब वहां पे कोई रहा नहीं ना हमारा, तो मैं उसे अपने साथ ही ले आया, यहीं रहेगी अब हमारे साथ। बहुत ही बढ़िया काम किया आपने भैया, चलो सामान उठाओ। आ गया? हाँ सारा सामान आ गया। सुन एक काम कर, ऑफिस चला जाओ, सीमेंट की बोरियां आ रही होंगी उन्हें रखवा देना। हाँ और तू भी जा, बाद में आना। भैया किसी चीज की जरूरत पड़े तो बता देना। ठीक है बताऊंगा, चल चल बता दूंगा। ए, तो अपने आप को कभी अकेला मत समझना।
मम्मी पापा की सारी जिम्मेदारियां हम दोनों पूरी करेंगे। तेरा रूम दिखाते। मैं आता। आजा। आजा। देख, ये है तेरा कमरा, ये तेरा बेड, वो तेरा ड्रेसिंग टेबल, ये अलमीरा और वो सामने खिड़की। बहुत अच्छी हवा आती है वहां से। कैसा लगा? अच्छा है ना? लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये दरवाजा है ना, ये पूरा बंद नहीं होता है, अपने आप ऐसे खुल जाता है। But don't worry, अब मेरी साइड पे लकड़ी का काम शुरू होने वाला है। जैसे ही वो काम शुरू होगा ना, मैं इसे ठीक करा दूंगा। चल, अभी थोड़ी देर आराम कर ले, खाना बनाती हूँ फिर बुलाती हूँ। तुम्हारे पापा मम्मी मुझे शादी के लिए देखने आए थे, उसके 3 महीने पहले ही मेरे पापा की डेथ हुई थी और मैं उन्हें याद करके इमोशनल हो रहा था। तो तुम्हारे पापा ने कहा कि जो चले जाते हैं ना, उनके लिए रोते नहीं बल्कि उन्हें याद करके उनके आदर्शों को आगे बढ़ाते हैं। जिंदगी बहुत लंबी है और तेरी दीदी और मैं हमेशा तेरे साथ। वाओ, अच्छा दिख रहा है, पर तूने क्यों बनाया पागल? आप दोनों को काम पे जाना होता है ना, वैसे भी मैं घर में ही हूँ, तो मैंने सोचा मैं घर की जिम्मेदारियों में तो आपकी हेल्प कर ही सकती हूँ ना। यम्मी। जीजू, मैं ना एक्चुअली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं राघव को दोपहर को फॉर्म लेके भेज दूंगा, भर के भेज देना। थैंक यू जीजू। भाई कल से ना मेरे लिए नाश्ता तू ही पैक कर देना। अच्छा। अच्छा बना है ना? और चाहिए तुम्हें? नहीं, कल से क्यों, आज से क्यों नहीं? वाओ, अमेजिंग। आप पहले ये खाइए फिर लेकर जाइएगा। खाइए खाइए, पहले ये तो खाइए। नमस्ते प्रिया जी। आप वो भाई साहब ने कहा था तो मैं सीधा यूनिवर्सिटी चला गया था। ये आपका फॉर्म। हाँ जी जी जी, आइए आइए, बैठिए ना आप। चाय पानी वगैरह कुछ लेंगे? अरे नहीं, आप जल्दी से फॉर्म भर लीजिए, एक्चुअली 2 बजे ना जमा हो जाएगा। ओके ओके, पेन, थैंक यू। लीजिए।
रहे थे ना कि 2 बजे तक पढ़ना है ओनली। हाँ ठीक। जीजू से ना इसकी शिकायत करनी पड़ेगी, बहुत गंदी नजर से दिखता है। अब क्या रह गया? आपका वेलकम करना है। आप यहाँ नए आए हो ना? ओ, मैं आपका पड़ोसी। वैसे ओम भैया मेरे बड़े भाई की तरह हैं। आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो प्लीज याद कीजिएगा। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? अरे अरे आइए ना। थैंक यू। आपका नाम? पीपी। टाइम पास। तरुण प्रसाद। वैसे लोगों का मेरे साथ टाइम पास अच्छा होता है। चेस खेलेंगी? ओ नहीं नहीं, वो मैं सफाई कर रही थी एक्चुअली। मैं हेल्प कर सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। वैसे जरूरत से ज्यादा जरूरी होता है इंसान को इंसान की हेल्प करना। मैं आपके परिवार की कमी तो दूर नहीं कर सकता, लेकिन एक दोस्त की कमी दूर कर सकता हूँ। थैंक्स। तो ठीक है, कल चेस खेलते हैं और हारने वाले को चाय बनानी पड़ेगी। वैसे ओम भैया और मैं इसी शर्त पे खेलते हैं, और वो हार जाते हैं तो भाभी चाय बनाती हैं। ओके। ठीक है, तो फिर मैं कल आता हूँ, चेस खेलते हैं। ओके। बाय। 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 नीलम से ज़्यादा खूबसूरत है प्रिया, जिसके भाग्य में होगी उसकी तो मौज है। भैया जी, साली आने से आपके तो मजे हो गए हैं। मतलब रोज रोज घर के खाने मिल रहे हैं, और एक मुझे ले लो, घर से कोसों दूर, यहाँ बस मिट्टी खाने को मिलती है। साली आधी घर वाली के मजे तो आप ही ले रहे हो, लेकिन ले तू भी खा ले। बस एक ही महीना हुआ है तरुण, ऐसा लगता है जैसे हम पिछले जन्म से एक दूसरे को प्यार करते हैं। प्यार तो मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार गाड़ी से उतरते देखा था। ऐसा लगा जैसे मेरे सपनों से निकलकर मेरी ड्रीम गर्ल मेरे सामने आ गई हो। बस फिर रुका नहीं गया। धोखा तो नहीं दोगे ना कभी? मर जाऊंगा तब भी नहीं। जीजू। प्रिया, खाना कम पड़ गया था, वो एक्चुअली राघव आ गया था तो मैंने उसको भी खिला दिया। तो तू एक काम करना, कुछ पराठे बना के भेज देना, है ना? मैं भेजता हूँ राघव को अभी। और नहीं तो कब? ओके जीजू, कब तक आएगा वो? आएगा 15-20 मिनट में, तू कर ले तैयारी आराम से, है ना? ओके जीजू। ओके, तुम जाओ अभी। प्रिया क्या हुआ? राघव आ रहा है, अगर उसने हम दोनों को साथ में देख लिया वो चीजों से शिकायत कर देगा। तुम प्लीज जाओ, अरे, कल आना। मगर प्रिया, जो आज कहना था वो तो कल कह देना, अभी जाओ प्लीज। शादी करोगी मुझसे?
तुम्हारे बिना अब रहा नहीं जाता। प्लीज मना मत करना। हाँ करोगी ना मुझसे शादी? करूंगी। तो फिर कल हमारा सुहाग दिन होगा। हाँ हाँ पर अब तुम प्लीज जाओ, जाओ अभी। नीलम क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मैं कभी मां नहीं बन सकती, कभी नहीं। So sorry। नहीं जान ऐसा कुछ नहीं है, पागल हो क्या तुम? ऐसा थोड़ी होता है। पुणे के डॉक्टर्स ने मना कर दिया तो क्या हुआ? हम बॉम्बे जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, लंदन जाएंगे, न्यूयॉर्क जाएंगे। मेडिकल साइंस बहुत आगे है बाहर, कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन निकल आएगा। तुम अपसेट मत हो। मैंने नेट पे सर्च किया, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो तुम इंटरनेट पे ज्यादा मत सर्च किया करो, आधे लोग ना अपने आप को डॉक्टर समझने लगे नेट पे सर्च कर करके। और ठीक है अगर नहीं भी इलाज है ना तो और अल्टरनेट मेथड है यार, सरोगेसी है, और वो भी नहीं हुआ तो हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। इतनी बड़ी बात नहीं है ये नीलम। बस आप इतना ध्यान रखना कि ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहे, किसी से मत कहना, प्रिया से भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम पे उंगली उठाए। अच्छा अचानक, और वो भी 15 दिन के लिए। एक इवेंट कवर करना है, मेरा चार्जर रख दिया था ना। हाँ हाँ मगर आप ही क्यों? नई जॉब है, एक तो चली गई, अब नई वाली के लिए रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए जाना पड़ेगा। ठीक है, और मेरी दवाइयाँ रखी थी? हाँ और मैं चेक कर। अरे तुम लोग बातें ही करते रहोगे, पता है ना बॉम्बे से फ्लाइट पकड़नी है, 5-6 घंटे लगेंगे, छूट जाएगी फ्लाइट। चलो अब अपना ख्याल रखना, और इन्हें ज़्यादा मीठा मत खाने देना, बहुत मीठा खाते हैं। ठीक है चले। चलो जी जी, रात का खाना बनाना है क्या? नहीं आते आते बहुत लेट हो जाएगा, तुम खाना खा के सो जाना। ला बाय। अभी क्या कर रहे हो तरुण, खेलो ना। अभी तो हमारा सुहाग दिन बाकी है। शादी से पहले कुछ नहीं, फिर जल्दी हो जाएगी। और अगर जीजू नहीं माने तो हम भाग चलेंगे। तुम भी एडल्ट, मैं भी एडल्ट, कानून भी आड़े नहीं आएगा। मेरा ही रुको, मैं देख कर आती हूँ। चीजू आप तो लेट नाइट आने वाले थे ना। अरे हाँ, जैसे हम लोग यहाँ से निकले ना तो राघव का फोन आ गया। उसने बोला कि किसी क्लाइंट के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो मैंने राघव को तेरी दीदी के साथ बॉम्बे भेज दिया, और मैंने उस क्लाइंट की मीटिंग 2 घंटे में निपटा दी। जा बढ़िया सा खाना बना दे मेरे लिए। तू यहाँ क्या कर रहा है? भैया वो सब समझ में आ रहा है मुझे, क्या कर रहे थे तम दोनों? कुछ नहीं जीजू, वो हम दोनों अंदर चेस खेल रहे थे। कमरे में चेस खेलते हैं, बेडरूम में? तू निकल पहले यहां से, और दोबारा इधर दिखाना तो टांगे तोड़ दूंगा। निकल, और तुम्हें तो हमारी इज्जत, तुझे सुनाई नहीं आया मैंने क्या बोला? भैया हम तो सिर्फ वो चेस खेल रहे। 4 कंधों पे जाएगा, निकल। खुद की अकल है कि नहीं? फ्रेज जैसे लफंगों का काम ही होता है शरीफ घर की लड़कियों को बरगलाना, तुझ में अपनी अकल है कि नहीं? क्या जवाब देगी अपनी दीदी को? बोल। मैंने कुछ गलत नहीं किया है जीजू, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। चल ठीक है, मान लेता हूं उस बार तेरी बात, नहीं कहूंगा तेरी दीदी से, तेरे और मेरे बीच में रहेगी बात, दोबारा मत करना।
चल जा अब, अच्छा सा खाना बना मेरे लिए। तेरे जीजू को ना आलू मेथी बहुत पसंद है, तुझे पसंद है ना? प्रिया कई दिनों से देख रही हूँ तो बड़ी खोई खोई रहती है, क्या बात है? अरे क्या बात है बताना मुझे, हुआ क्या है तुझे? ना कुछ खाती है, ना बात करती है, और हंसना तो जैसे भूल ही गई है। क्या हो रहा है तुझे, क्या खाया जा रहा है तुझे, मुझे बताना। मैं ये कर तो रही हूँ मेथी। तेरा बिना मुझे समझ नहीं आता। आ जाओ जल्दी से, प्रिया के हस्बैंड को फोन करिए, गुड न्यूज है, प्रिया मां बनने वाली है। बस यही सुनना बचा था। अरे क्या कमी कर दी थी हमने जो हमारी इज्जत की अर्थी निकाल दी तूने। अरे किसके साथ मुंह काला कर नहीं बोलती, क्यों नहीं बोल, मैं कुछ पूछ रही हूं तुझसे। ये क्या बोलेगी, इसका चाल चलन तो शुरू से ही ठीक नहीं है। प्यार से समझाया, डांटा भी, लेकिन इसकी तो जवानी फूट रही है ना, धक्के उड़ा के रख दी हमारी इज्जत की। बोल ऐसा क्यों किया का मतलब तुम्हें पहले से पता था कि इसका चक्कर चल रहा है, हाँ? मुझे लगा जवानी में भूल कर दी है इसने, हमारी इज्जत संभाल के रखेगी, खराब नहीं करेगी। कौन है वो? बोलो ओम कौन है वो? कैसे कैसे लोगों को घर दिलवा देते हो, बैकग्राउंड चेक नहीं करवाते? अरे चोरा लड़का है, इसने गलत काम किया मेरी साली के साथ। मैं समझा दूंगा, छोड़ दो। अरे अरे उसके बाद नहीं गया मैं उधर। नहीं गया तू? नहीं गया मैं। बेटा अभी तेरी खाल निकाल के ना जूते बनाऊंगा, तब तुझे पता चलेगा गया कि नहीं गया, गया कि नहीं गया, गया समझ रहा है तू? और क्या मारा मारी चल रही है? अरे इंस्पेक्टर साहब, इसने गलत काम किया मेरी साली के साथ, अरेस्ट करिए इसे। इंस्पेक्टर साहब मैंने कुछ नहीं किया, यकीन मानिए मेरा। कुछ नहीं किया बताओ तुझे? चल पुलिस स्टेशन, और ओम बाबू आपको भी आना पड़ेगा। चलिए इंस्पेक्टर साहब चलिए। मैं समझता हूं, तुम रो। इंस्पेक्टर साहब FIR तो लिख गई। सर इसको सजा कब मिलेगी? भाभी मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया प्रिया के साथ, मैं बेकसूर हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। तो जैसे लुच्चों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तू कितना सच बोल रहा है, 4 दिन में पता चल जाएगा। कैसे? रेप केस में DNA जांच भी होती है, 4 दिन में दूध का दूध पानी का पानी, और फिर ये कम से कम 7 साल के लिए गया। मैं प्रिया से शादी कर लूंगा, मैं पहले भी तैयार था। करेगा? नहीं, इस जैसे इंसान की मेरी बहन के साथ शादी हो ही नहीं सकती, ये तो जेल ही जाएगा। इंस्पेक्टर साहब हमें एबॉर्शन के ऑर्डर्स मिल सकते हैं क्या? मैं ट्राई करता हूँ, मुझे शाम तक का वक्त दीजिए। जा दो, इसे अंदर डाल दो। सॉरी एबॉर्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन डॉक्टर हमारे पास तो कोर्ट के ऑर्डर्स है ना, स्पेशल सर्कमस्टांसेस। वो बात नहीं है नीलम, प्रिया को फेटल प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी अबॉर्ट का मतलब है उसकी जान से खेलना। ये क्या कह रही हैं डॉक्टर आप प्लीज सर्जरी कीजिए और हम निकालिए इस बाप को। पागल हो गए हो क्या, सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा, इसकी जान को खतरा है। जान जाती है तो जाए, क्या करेंगे, क्या कहोगे तुम दुनिया से, क्या मुंह दिखाएंगे समाज में?
नहीं भाई साहब, जो हो गया सो हो गया, उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। आगे की सोचो, मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा कि उस मासूम चेहरे के पीछे एक हैवान छिपा था। सच कह रहा हूं भाई साहब, अगर मैं आपकी जगह होता ना, उसे पीटता नहीं, उसका खून कर देता। और वो तो आपके घर का नमक खाया मैंने, अगर आप कहो तो मैं खुद उसे मार दूं। मम्मी, पापा क्यों छोड़ गए इस दिन मुझे घर पे अकेले? अगर साथ ले गए होते तो मुझे एक घिनौनी जिंदगी तो नहीं जीनी पड़ती। अगर चाची तो शायद सुकून से रह पाती आप लोगों के साथ। नहीं जीनी है मुझे जिंदगी, नहीं जीनी है मुझे, नहीं जीनी है। क्या लग रही हैं आप, खिल रही हैं आप? अरे बीबी हो ना, तुम्हें प्यार किए बिना मेरा दिमाग नहीं चलता। 3 दिन हो गए। नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी, नहीं चाहिए मुझे। क्या मत करते हो यार ओम, तुम भी। अरे टेस्ट की रिपोर्ट आने तक का वेट नहीं कर पाई प्रिया? क्या अपनों के ताने और समाज के डर ने प्रिया को इस हद तक हताश और निराश कर दिया था कि उसने जीने की चाह ही छोड़ दी और उसे आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाना पड़ा? सवाल यह भी है कि प्रिया का यह कदम गलत था या पहले से लिया गया कोई फैसला, या कहीं ऐसा तो नहीं था कि फिर प्रिया के साथ जो हुआ उसमें प्रिया की कोई गलती ही नहीं थी? तरुण सच कह रहा था या नहीं, और अगर तरुण सच कह रहा था तो फिर कौन था प्रिया की स्थिति का जिम्मेदार? आइए जानते हैं। ठीक तो है ना डॉक्टर? डोंट वरी, बेहोश है, होश में आ जाएगी, चिंता की बात नहीं, लेकिन इसका ख्याल रखिएगा। मैं ले लेता। देखता हूं। कौन है? इंस्पेक्टर साहब, आइए। मैं आप दोनों को ये बताने आया था कि आपको ये केस वापस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तरुण का डीएनए मैच नहीं हुआ और प्रिया के साथ जो हुआ उसका जिम्मेदार कोई और है। अगर आपको किसी और पर शक है तो बताइए। ठीक है इंस्पेक्टर, मैं दोपहर को भेजता हूँ किसी को फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए जो आप कह रहे हैं। ठीक है सर। जमानत के पेपर छोड़ दीजिए इसे। यादव बाहर लेकर आओ इसे। आप खुश हो जाओ, तुम्हारी जमानत हो गई है। पर इस मेहरबानी की वजह बताता हूं। थैंक यू सर।
चलें। अब बताइए। अरे बता दूंगा, पर यहाँ नहीं, तुम्हारे घर पे। चीयर्स करते हुए वो क्या है ना कि बहुत दिन हो गए गला तार किए। अरे राघव भैया, आपने हमारी जमानत कराई है, आज चीयर्स अब हम कराएंगे आपको। अरे तो क्या हुआ, दोनों भाई मिल के हाफ हाफ पियेंगे। चलो सच बता, कौन था वो, किसके साथ थी तू? नहीं बता सकती ना दीदी। अरे और लो भाई, और लो और लो। बहुत हो गया भाई। अरे पी पी। चीयर्स। चीयर्स। यहाँ पूरा घर परेशान है और तू अपने यार का नाम नहीं ले सकती? यार क्या सोचती हो मेरे बारे में? अरे मैं कोई धंधे वाली हूँ क्या जिसके यार होंगे? इस घर की इज्जत और तुम्हारी जान की चिंता थी मुझे, इसीलिए चुप हूं मैं। सुनना चाहती हूँ इस बच्चे का बाप कौन है। तुम्हारा पति ओम। नहीं तू झूठ बोल रही है, मेरा ओम ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता। हमारे मुंबई जाने वाले दिन से ही उसने मेरे साथ गंदी हरकतें करना शुरू कर दिया था। चीजू क्या कर रहे हैं आप? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? वो लड़का बेडरूम में आया, समझ में आया तुझे क्या किया था? बर्बाद कर दूंगा, पूरे मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी, समझी? तेरी बहन को अलग छोड़ दूंगा, मार दूंगा उसको मैं। शट अप, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर, समझ गई ना? फिर जब जब मौका मिला मेरे साथ खेला, कुछ कह नहीं सकती थी ना, तुम्हें मारने की धमकी देता था मुझे। बोल, मैं कुछ पूछ रही हूं तुझसे, बोल बोल कुछ बोल प्रिया बोल, सुन रही है ना? इधर देख, इधर देख, कौन है वो? कहीं जा भी नहीं सकती ना मैं, अनाथ हूं। मेरे लिए तो मेरे रक्षक ही भक्षक है दीदी। आपको केस वापस लेना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि तरुण कड़ी ने मैच नहीं हुआ और प्रिया के साथ जो हुआ उसका जिम्मेदार कोई और है। सुनना चाहती हूँ इस बच्चे का बाप कौन है। तुम्हारा पति ओम। क्या ये? मैं कभी मां नहीं बन सकती, कभी नहीं। सो सॉरी। अगर एक और एक जोड़ा जाए तो हो सकता है ओम ही कल्प्रिट हो, मगर ये बात मैं ओम के मुंह से ही कबूल करवाऊंगी। राघव ने मारने की कोशिश की सर। आई थिंक ये सब उसने उनके कहने पे किया। मैं सब बताऊंगा सर। चल भागना शुरू कर। जी माफ कर दो सर, मैं सिर्फ ओम सर की इज्जत बचाने के लिए की मदद कर रहा था। ओम भैया, आप मुझे यहां क्यों बुलाया? तूने कहा था ना कि तू मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। आप हुक्म तो करो सर, ना लाके दिखाया तो राघव नाम नहीं। तो सुन, प्रिया के पेट में जो बच्चा है ना तरुण का नहीं, मेरा है। पर अगर ये बात दुनिया के सामने आ गई तो मेरी इज्जत और इतनी मेहनत करके इतने सालों में कमाया हुआ जो नाम सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो अब क्या करना है? पूरा प्लान ध्यान से सुन। पुलिस स्टेशन जा, तरुण की बेल करा, उसे बैठ के पिला और जब वो बेहोश हो जाए ना तो मेरे घर जा, प्रिया को मार और फिर वो चाकू लाके तरुण के हाथ में दे दे। उस चाकू पे मुझे तरुण के फिंगरप्रिंट्स चाहिए और वो चाकू मुझे तरुण के पास चाहिए, समझा? और जैसे ही कर देगा ना तू मुझे बता, मैं तुझे 1,00,000 रुपए दूंगा और 1 महीने की छुट्टी भी। समझो काम हो गया, लेकिन 1,00,000 रुपए में नहीं, कंपनी में 25% की पार्टनरशिप चाहिए बस। डी डी हाँ, लेकिन ये काम आज ही होना चाहिए। मैं तो पार्टनरशिप के लालच में आकर ये कांड कर, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि प्रिया के कमरे में भाभी जी होंगी।
राघव का स्टेटमेंट तो हो गया, आपको क्या विचार है? बताएंगे या हम खुद उकलवाएं? जरूरत नहीं है, मैं मानता हूं कि यह अपराध मैंने ही किया और मैंने इसे छिपाने की कोशिश की। जब तरुण का डीएनए मैच नहीं किया तो मैं समझ गया कि अब प्रिया मुंह खोल सकती है, इसीलिए मैंने प्रिया को मरवाने की प्लानिंग की। चलिए आप भी अंदर चलिए। इंस्पेक्टर साहब, नीलम कैसी? डॉक्टर, दीदी ठीक तो हो जाएंगी ना? कहीं हमने आने में देर तो नहीं कर दी ना? काफी ब्लीडिंग हुई है, बट लकीली क्रिटिकल इंजरी नहीं हुई है। डोंट वरी, ठीक हो जाएंगी। सॉरी दीदी, मेरी वजह से सब हो गया। नहीं रे पगली, आई एम सॉरी। मैं तेरी उदासी, तेरी खामोशी नहीं समझ पाई। इंडियन क्राइम ब्यूरो के पिछले 5 साल के आंकड़ों के अनुसार 28,765 औरतें देवर, जेठ, ससुर या जीजा की वासना का शिकार हुए, और ये तो वो केसेस हैं जो रजिस्टर हुए। न जाने जुर्म के ऐसे कितने केसेस होंगे जो कभी दर्ज ही नहीं हो पाए। कितनी ही प्रिया चुपचाप आत्महत्या कर चुकी होंगी। समाज अगर ताने मार सकता है तो समाज की ही जिम्मेदारी है कि आदमियों को औरतों की इज्जत करना सिखाए। इसी उम्मीद के साथ मैं रौनित बोस रॉय विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा आपसे जुर्म और जज्बात से भरी एक नई कहानी के साथ।